अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इसकी वेल एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन विद एनिमेशन डायग्राम्स डायग्रामेटिकली जो है इसकी पोर्टल में मौजूद है। टुडे वी गोना डू द एक्सरसाइज। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। और रिसर्च वर्क के बारे में ये है कि अगर आपको समझ में आता है कि सही प्रॉपरली कर सकते हैं तो सो यू कैन डू इन योर कॉपीज। नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर। अब ये जो है यू हैव टू डू इन योर बुक, नॉट नीड टू कॉपी डाउन इन योर कॉपीज। वेरी फर्स्ट वन इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ किसके ज़रिए होता है, किसके थ्रू होता है, यीस्ट के ज़रिए होता है। फर्मेंटेशन इज़ द केमिकल प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, यीस्ट के ज़रिए। सेकेंड वन इज़ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो है टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रोब्स जो है सो टाइनी दे कैन ओनली, जो टाइनी होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, ये टाइनी बहुत छोटे होते हैं, ऑब्वियसली वो किसके थ्रू देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। थर्ड वन है फंजाई, जो फंजाई सच एज डैश। अब फंजाई में कौन कौन से सब स्पीशीज आते हैं, मशरूम्स या कैक्टस या मोजेस, ये सब आपको खुद ही करना है वैसे, बट आई एम गिविंग यू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। फंजाई में क्या आता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज़ गैस ऑयल इज़ एन अल्टरनेटिव टू पेट्रोल के है या किसके है। फिफ्थ वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग सेल्स यूज़ किए जाते हैं और ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाती है जिससे लिविंग पीपल को, जो इंसानों को फ़ायदा यूज़फुल हो, उनको फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग थिंग्स यूज़ किए, लिविंग सेल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको यू हैव टू चूज़ बाय योर सेल्फ। सिक्स्थ है आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर, मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, अब आंसर आप लोगों को खुद ही सर्च आउट करने। सिक्स वन है इट इज़ डैश टू ग्रो माइक्रोब्स इन लार्ज क्वान्टिटीज, इट इज़ वेरी ईजी टू ग्रो। अब माइक्रोब्स जो है टाइनी एनिमल्स है ना, वो फ़ौरन बहुत ज़्यादा ईजिली जो है ग्रो हो जाते हैं। बैक्टीरियाज हैं, फंजाई है या कोई भी बहुत जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है ना अल्लाह तरह के, वो ईजिली ग्रो हो जाते हैं। सेवन्थ है तो आंसर मे बी पॉसिबल ईजी हो। सेवन्थ है डैश ग्रो इन साइड द ऑयल वेल्स हेल्प्स टू फोर्स टू। अब क्या ऐसी चीज़ है जो फोर्स ऑयल को फोर्स करने में हेल्प करती है। एट का क्या, साइंटिस्ट कैन मेक ऑर्गेनिजम्स, साइंटिस्ट जो है ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं छोटे बाय चेंजिंग द जीन्स, जीन्स को चेंज करके। जीन्स कहाँ पर होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सेल होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, अब डीएनए के अंदर जीन्स होती है, ठीक है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्रोमोसोम जो है हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और जीन्स का अलग अलग फंक्शंस, जीन्स की फंक्शंस क्या हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से ग्रो थ्रू कर लीजिए। अब इस सब को सिस्टम को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द ऑप्शंस। नाइन का है डैश इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सीवेज, ठीक है। टेन है वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स है वो कौन बनाते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अब ये जो है आप खुद ही करिए। नाउ कम्स टुवर्ड्स द टू में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये सब काम करने से पहले आप लोग जो है पोर्टल में फॉर एक्सप्लेनेशन, फॉर वेल एक्सप्लेनेशन, आप पोर्टल को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि डीएनए का क्या, डीएनए रेप्लिकेशन का क्या प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेट किस तरीके से होता है, किस प्रोसेस से होता है। मतलब सेल डिवीजन तो होती है ना माइटोसिस के थ्रू, ये थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। अब ये सेल डिवीजन में डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट होता है, मतलब अपनी ही जैसी कॉपी किस तरीके से बनाता है, ये एक प्रोसेस है जो आप लोगों को अच्छे से एनिमेशन में पोर्टल के थ्रू समझ में आ जाएगा। नाउ सेकेंड वन इज़ डैश बोवाइन, फर्स्ट वन आंसर इज़ बोवाइन ग्रोथ हार्मोन इज़ अ हार्मोन विच इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन फार्म एनिमल्स, ठीक है। ये एक हार्मोन है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन में। सेकेंड वन इज वैक्सीन्स, अब आप लोगों को पता ही होगा कि वैक्सीन जो है प्रोटेक्ट करती है हमें डिजीज से। थर्ड का आंसर है फूड, ठीक है। फोर्थ का आंसर है मीट, फंगस कॉल्ड फ्यूसेरियम इज यूज टू मेक आर्टिफिशियल मीट, ठीक है। फिफ्थ का आंसर है इथेनल, सिक्स्थ का आंसर है बायोगैस, सेवन्थ में आएगा फंगस, एट में आएगा बैक्टीरिया हैव बीन यूज टू प्रोड्यूस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स फॉर चिल्ड्रन हु डोंट ग्रो प्रॉपरली,
ठीक है। अब ये जो अल्लाह ताला की जो भी सिस्टम, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह ताला ने इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस ज़रूर रखी है। नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस, नाउ कम्स टुवर्ड्स द थर्ड। अब यहाँ पर लिस्ट फाइव एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी। अब इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या क्या एप्लीकेशन है, इससे क्या क्या हासिल होता है, हमारी ज़िंदगी में क्या यूजेस हैं इसकी। अब यू कैन गो थ्रू इनटू द पेज नंबर 38। इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन क्या है। अगर आप अपनी तरफ से भी लिखना चाहें तो वेल इन गुड, ठीक है। अब ये जो है बायो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है न्यू फ्यूल्स बनाने में, विनेगर में, एंटीबायोटिक्स में, वैक्सीन्स में। अगर आप अपनी तरफ से भी लिखना चाहें तो यू कैन राइट इन द पेज नंबर 49, ठीक है। थर्ड का आंसर हो गया कि कोई भी फाइव एप्लीकेशन दे दें कि बायो टेक्नोलॉजी से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या है। फोर्थ वन इज़ अरेंज दीज स्टेप्स। अब ये स्टेप्स हैं कि पहले स्टेप में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड। अब दिस इज़ नॉट इन द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में नहीं, यू हैव टू एडजस्ट दैट। फोर्थ वन ये आपको खुद ही करना है, बट यू आप हेल्प ले सकते हैं इन द पेज नंबर, फ्रॉम द पेज नंबर 41। अब यहाँ पर इसकी हेल्प ले सकते हैं, पेज नंबर 41 से आप हेल्प ले सकते हैं कि ये अरेंज करना है इन स्टेप्स को, कि पहले स्टेप्स में क्या होता है कि जीन्स निकाली जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया से, प्लाज्मिड से जीन्स, प्लाज्मिड्स निकाले जाते हैं, फिर इसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, सीजर की जाती है, अब वो जीन जो है दूसरे में लगाई जाती है, लिविंग सेल्स में लगाई जाती है। नाउ इसको अरेंज करना है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट आर माइक्रोब्स, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल्स। अब पहला क्या है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन आंसर विद एग्जांपल। अब इसको एग्जांपल्स के तौर से बताइए कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। अब इसमें पेज नंबर 38, ठीक है, व्हाट आर पेज नंबर 38 निकालें, इसमें माइक्रोब्स का पता चल जाएगा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन ऑनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, बैक्टीरिया, अदर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया एंड यूनिसेल्यूलर फंजाई, एग्जाम्पल यीस्ट। यहाँ तक ओनली टू लाइन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन ओनली टू लाइन आंसर। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर टू। टू है व्हाट डज बायोटेक्नोलॉजी मींस। अब क्या बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर द ओल्डेस्ट। अब बायोटेक्नोलॉजी है सदियों से यूज़ की जा रही है। अब ये बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी पहले का एग्जांपल्स बताएं कि पहले ज़माने में किस तरीके से यूज़ की जाती थी। नाउ कम्स टुवर्ड्स द पेज नंबर 38 में आंसर, यू विल फाइंड द आंसर। अब वेरी फर्स्ट वन इज़ ऑब्वियसली, यहाँ पर लिखा है बायोटेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग प्रोसेसेस। अब ये बताना ना कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स और सिस्टम्स, ठीक है, अब टू मैन्युफैक्चर इंटेंडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, ओनली टू लाइंस, बायोटेक्नोलॉजी से लाइफ तक, ठीक है, ये डेफिनेशन है। ये एक तो साइंस में आप लोग हेडिंग ज़रूर डालिएगा, ठीक है, और एक डायग्राम जहाँ पर नीड होती है ना, डायग्राम ज़रूर बनाएं और हेडिंग ज़रूर डालें। अब यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, फिर इसके बाद डेफिनेशन लिखें। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का ही है ना कि इसकी एग्जांपल्स बताएं, तो आप एग्जांपल्स की हेडिंग डालेंगे, व्हाट आर द ओल्डेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप ओल्डेस्ट एग्जांपल्स की हेडिंग ज़रूर डालिए। जितनी हेडिंग्स डालें इतना ईजी रहेगा आपको, एक तो लर्निंग में भी और समझने भी में भी। तो अब इसकी ओल्डेस्ट एग्जांपल्स में हेडिंग डालिए, फिर इसके बाद लिखिए कि ह्यूमंस आर हैव यूज्ड, यहाँ से लिखा हुआ ना बायोटेक्नोलॉजी फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू मेक चीज़ एंड योगर्ट, योगर्ट और चीज़ बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, और विनेगर बनाने के लिए, विनेगर तक, ठीक है, समझ में आया कि इसमें दो हेडिंग्स डलेंगे बायोटेक्नोलॉजी की और दूसरी हेडिंग डलेगी ओल्डेस्ट एग्जांपल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ कुड बायोटेक्नोलॉजी हेल्प सॉल्व द वर्ल्ड्स फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम्स। अब हमारी कंट्री में, हमारी दुनिया में जो अगर फूड का शॉर्टेज हो जाए तो बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है, ताकि अब ये जैसे ये होता है ना, क्रॉप्स जो एक साल में बनने वाला होता है, तो ऐसी दवाइयाँ यूज़ की जाती है, ऐसे ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो क्रॉप्स जो है दो महीने में तैयार हो जाए,
ठीक है। इस तरीके से हमारी दुनिया में जो है अनाज की जो शॉर्टेज है, क्रॉप्स का शॉर्टेज है, वो ख़त्म हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इन पेज नंबर 43 निकालें, 43 में निकालें। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाली हेडिंग है बायोटेक्नोलॉजी और फूड में, इन पेज नंबर 43 के लास्ट पैराग्राफ में देखें, यू विल फाइंड द आंसर फ्रॉम हियर के साइंटिस्ट हैव ऑल्टर्ड द जीन्स दैट कॉज ओवर राइप फ्रूट टू रिंकल एंड गो सॉफ्ट, दिस मॉडिफाइड फूड स्टे फ्रेम फ्रेश एंड एपिस्टाइटिंग फॉर मच लॉन्गर देन ऑर्डिनरी टोमेटोज। अब ये जो है ऐसा इन्होंने बनाया, तरीका इस्तेमाल किया है कि ताकि जो है लंबे टाइम तक हमारे फ्रूट या वेजिटेबल्स या क्रॉप्स ख़राब ना हो, बल्कि लंबे टाइम तक चलते रहें। अगर ख़राब हो जाएंगे तो हमारे दुनिया में शॉर्टेज हो जाएगी क्रॉप्स की। अब आंसर, दिस विल हेल्प रिड्यूस फूड वेस्ट। अब इस तरीके से वेस्ट, फूड वेस्ट भी कम होगा, ठीक है। रिसर्चर्स हैव ऑल्सो वर्किंग टू डेवलप पोटैटोस व्हिच एब्जॉर्ब लेस ऑयल व्हेन दे आर फ्राइड। यहाँ तक आंसर लिखिए, ठीक है। 4 लाइंस आंसर इन पेज नंबर 43 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 43 में, ठीक है। समझ में आई बात। अब नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद डायग्राम। अब डायग्राम जहाँ पर लिखा हुआ, तो इट मींस दैट यू हैव टू मेक द डायग्राम मस्ट विद लेबलिंग। लेबलिंग डायग्राम जो है लेबलिंग के बगैर नहीं होती। अब यहाँ पर सवाल क्या है, डीएनए की रेप्लिकेशन बताएं कि डीएनए अपनी कॉपी, अपनी सेम एज इट इज़ कॉपी किस तरीके से बनाते हैं डायग्राम्स के थ्रू। इन पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 में आप देखिए यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है ना, कि डीएनए जो है ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए। अभी बीच में अनजिपिंग हुआ, एक स्ट्रैंड यहाँ पर चला गया, एक स्ट्रैंड यहाँ पर चला गया, ठीक है, अलग अलग स्ट्रैंड्स हुए। अब एक ओल्डेस्ट स्ट्रैंड ने न्यू स्ट्रैंड बना दिया अपना अलग, और जो एक दूसरे ओल्डेस्ट स्ट्रैंड ने अपना नया स्ट्रैंड बना दिया। इस तरीके से ही जो है एक डीएनए ने दो डीएनए इटसेल्फ कॉपी बनाई, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन, सही। अभी आपको एनिमेशन के थ्रू वेल एक्सप्लेन किया गया होगा, आपको आप देख लीजिएगा पोर्टल में, इन पेज नंबर 40 यहाँ से स्टार्ट कीजिए। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, अपनी खुद की अपनी जैसी कॉपी बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान। अब देखिए सेल डिविजन्स तो होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या वो एक सेल से दो सेल्स किस तरीके से बनते हैं, तो स्टार्ट होता है डीएनए से, ठीक है। अब डीएनए ने अपना रेप्लिकेशन बनाया, दो डीएनए बन गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता दो सेल्स भी बन जाते हैं। अब यहाँ से लेकर आंसर लिखिए डीएनए तक, पूरा एक पैराग्राफ, न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए यहाँ तक, एंड यू हैव टू मेक द डायग्राम, डायग्राम बनाइए और इसकी जो है लेबलिंग कीजिए। ये लेबलिंग है ना, ये वाली लेबलिंग ज़रूर कीजिए, विदाउट द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम एक्सेप्ट नहीं की जाती, ठीक है। समझ में, ये डायग्राम आपको बनानी है, यहाँ से लेकर आंसर यहाँ तक लिखें और डायग्राम विद लेबलिंग, ठीक है। दिस इज द, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस जीन इनटू बैक्टीरिया। अब वो मेथड बताया थी जिसमें बैक्टीरिया के अंदर जीन, बैक्टीरिया के अंदर जीन को इंसर्ट किया गया, ठीक है। इन पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 में लिखा गया है कि जो जीन है ना बैक्टीरिया की जीन में किस तरीके से, अब ये है इसका आंसर यहाँ से होगा पेज नंबर 41 में, द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, वो स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे जो भी जीन्स हमें चाहिए प्लाज्मेट से निकाली और हमने जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो जीन डाल दी। अब बैक्टीरिया या प्लाज्मेट्स इस वजह से लिए जाते हैं कि वो रैपिडली ग्रो होते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ से हेडिंग ज़रूर डालिए, जितनी हेडिंग्स डालें तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू फॉर लर्निंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग। अब द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, ये हेडिंग डाल दी। अब यहाँ से फर्स्ट ये पांच पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर लिखिए, ठीक है, यहाँ तक। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू यू सपोज सम एंजाइम्स आर कॉल्ड केमिकल सीजर। अब आप इस तरीके से क्यों कहते हैं कि केमिकल सीजर क्यों कहा जाता है कुछ एंजाइम्स को, जैसे हमने कहा था ना, पढ़ा था ना, डीएनए को बीच में से कटिंग होती है डीएनए की, एक स्ट्रैंड इधर जाता है, एक स्ट्रैंड उधर जाता है, फिर इस तरीके से वो अपनी इटसेल्फ कॉपी बनाते हैं, तो वो जो सीजर होती है ना वो एंजाइम्स के थ्रू होती है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 में जो पॉइंट नंबर 2 है ना, पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर 41 में पॉइंट नंबर 2 है, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, द जीन इज रिमूव फ्रॉम द क्रोमोसोम्स बाय स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड केमिकल सीजर। जीन रिमूव की किस वजह से, किसके थ्रू जाती है, एक एंजाइम है और उसको केमिकल सीजर कहा जाता है। ओनली वन लाइन आंसर, ठीक है।
ठीक है, इन पेज नंबर 41 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम्स टू वाइज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, व्हाई आर प्लाज्मिड्स, व्हाई का मतलब होता है क्यों, प्लाज्मिड्स यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स ही क्यों लिए जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं और वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स क्यों लिए जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट, उसको बैक्टीरिया से क्यों निकाला जाता है। पेज नंबर 41 में आप यहाँ पर देखिए प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर पहले तो आप हेडिंग डालिएगा प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड की हेडिंग डाल दी कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द जीन्स इन बैक्टीरिया इन बिग स्ट्रैंड, जो बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स होती हैं वो एक ही धागे में होते हैं, द रेस्ट आर इन लिटिल लूप्स, और कुछ जो है छोटे छोटे लूप्स में होते हैं, ठीक है, लूप्स छोटे छोटे, तो उसको जो है प्लाज्मिड्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये आंसर होगा प्लाज्मिड का, हेडिंग में डालिए प्लाज्मिड की हेडिंग डालिए और इसका आंसर होगा। अब दूसरे जो हेडिंग डालेंगे कि व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, व्हाई आर प्लाज्मिड्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेडिंग डालें, जितनी हेडिंग डालेंगे इतना अच्छा है। अब यहाँ से आंसर लिखिए कि प्लाज्मिड क्यों लिया जाता है, प्लाज्मिड इज़ ए स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए, ये बैक्टीरिया में होते हैं प्लाज्मिड्स, वो डीएनए का छोटा सा सर्कल है जो एक सेल से, विच कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इतना छोटा है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में इजीली जा सकता है और अपनी मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, और अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है, इट इज़ ईजियर टू इंसर्ट जीन्स, प्लाज्मिड को जो है मतलब इन प्लाज्मिड्स में आसान होता है जीन्स को इंसर्ट करना बिग स्ट्रैंड से, इस वजह से प्लाज्मिड लिया जाता है। तो ये यहाँ से दूसरे का आंसर यहाँ तक हो गया, स्ट्रैंड्स में आप प्लाज्मिड से लेकर बिग स्ट्रैंड तक, ठीक है, यहाँ तक आंसर होगा। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर यूजफुल रोल डू माइक्रोब्स प्ले इन द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। अब माइक्रोब्स जो है हमारी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज में, ये बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ होती है और माइक्रोब्स क्या रोल प्ले करते हैं हेल्थ के मतलब इसमें एग्रीकल्चर में और एनवायरनमेंट में, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द हेडिंग, अब हेडिंग डालिए अच्छे से, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ की हेडिंग डालें, पेज नंबर 44 निकालें, इसमें हेडिंग होगी बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ। अब इसमें ये आंसर लिखें कि हेल्थ के पेज नंबर 44 आ गया, अब हेल्थ पेनिसिलिन इस हेडिंग डालेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ के प्रोफेशन में जो है क्या हेल्प कर रही है, क्या यूजेस दे रही है। अब इसमें है पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस जो है पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है, ये एक एंटीबायोटिक है, विच मीन्स इट कैन किल जर्म्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स फॉर चिल्ड्रन, कुछ बैक्टीरिया से होती है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो बच्चे सही से ग्रो नहीं हो पा रहे होते तो उनको ये हार्मोन दिया जाता है। और ह्यूमन इंसुलिन फॉर डायबिटिक्स के लिए जो इंसुलिन है वो भी माइक्रोब्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है, बनती है, और वैक्सीन्स भी और वाइटामिन्स भी। यहाँ तक आंसर लिखिएगा ओनली सेकंड पैराग्राफ पूरा कि इसके ये यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी और वो हमारी हेल्थ में किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। नाउ अब इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा, तीन क्वेश्चन है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट इन पेज नंबर 45, इसका आंसर होगा यहाँ से, आर रैपिडली डेवलपिंग एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द यूज ऑफ माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट, यहाँ से लेकर थिंग्स तक, फोर लाइन आंसर, ठीक है, इन पेज नंबर 45 में 4 लाइन आंसर है। हेडिंग ज़रूर डालिएगा ताकि पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ठीक है, लिविंग थिंग तक। एंड नाउ दूसरी हेडिंग डाल लीजिएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में फील्ड में ये बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो इन पेज नंबर 43 में आ जाए, इसमें क्या है कैगरी पेज नंबर बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इन पेज, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है